इसमें लड़कमंद नहीं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहर फैसल पर, जहाँ पर हमें शिकायत मिली थी कि कराची कारवां के हवाले से जो है वो लगाए गए जमात इस्लामी के बैनर्स को सिटी वार्डन उतार रहे हैं। और अभी हम वहाँ पहुँचे तो ये देख सकते हैं आप मेरे पीछे, ये पूरी गाड़ी जो है सिटी वार्डन ने अपनी भरी हुई है। जमात इस्लामी के तहत 29 मई को होने वाले कराची कारवां के तमाम बैनर शहर से उतारे जा रहे हैं। जब हमने इन सिटी वार्डन से पूछा कि ये बैनर आप क्यों उतार रहे हैं, तो उनका कहना है कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत है। मुर्तजा वहाब ने आप लोगों को ऑर्डर दिया, आप लोगों ने उसके ऑर्डर पे बैनर उतार लिए, ठीक है, अच्छी बात है आपने उतार लिए। आपकी रिपोर्टिंग हो गई, अभी हम अपने बैनर लेके जा रहे हैं। हमारे से मांग रहा है ना, मुर्तजा वहाब क्या कह रहे हैं बैनर ला के दो, क्यों मांग रहे हैं हमारे से? हमारे तो हमारे डिपार्टमेंट ने बोला है हम तो खुद कह रहे हैं हम प्रक्रिया करें, हम तो आपको वापस देंगे, हम यही तो कर रहे हैं अपने हेडक्वार्टर। ये बेकार बात है भाई, बैनर वापस कर देंगे, करना आपको वापस ही कर देंगे। नहीं, हम भी तो बैनर ही मांग रहे हैं ऑर्डर से, ऑफिस से ले रहे हैं, आपने कैसे ले लिया? आप अपने ऑफिस में बात कर लें, बोले हमारी गाड़ी रोक ली है, हमारे बैनर दे दें। स्टेटर कराची मुर्तजा वहाब की हिदायत है कि कराची कारवां के लिए शहर भर में लगाए गए तमाम बैनर्स को उतार दिया जाए। हकूक कराची, कराची के हकूक मांगना सिंध हुकूमत को इतना बुरा लग रहा है, कराची के हकूक की जंग लड़ना सिंध हुकूमत को इतना बुरा लग रहा है कि वो शहर कराची के अंदर लगाए गए हकूक कारवां, कराची के लिए निकाले जाने वाले कारवां के बैनर्स को उतरवा रही है। लेकिन इन ओछे हथकंडों से ना तो कराची कारवां रुकेगा, ना हकूक कराची की ये तहरीक रुकेगी, और ना ही कराची वालों के हकूक की इस जदोजहद को कोई रोक सकता है।